Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ तनुश्री and I hope everybody is doing well. तो आज का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है do like, share and subscribe to my channel. कभी कभी सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं कि मतलब अभी तक उसने बात करना स्टार्ट क्यों नहीं किया, जबकि जो दूसरा बच्चा है जो इससे थोड़ा सा छोटा है एज में या फिर सेम एज का है उसने तो काफ़ी कुछ बोलना सीख लिया है. तो हम ज़्यादा कंसर्न तो नहीं करते बट मन में एक बात आती ही है कि लाइक कुछ सब कुछ ठीक तो है. तो मैंने सोचा है इस टॉपिक पे थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर दिया जाए, कुछ नॉलेज या जो मैंने रिसर्च एंड स्टडी किया उसके ऊपर मैं आपसे शेयर करती हूँ. मुझे भी ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, आपसे शेयर कर लूँ, बिकॉज मेरे भी बच्चे ने काफ़ी लेट पिकअप किया था बोलना. प्लीज़ इग्नोर कीजिए बैकग्राउंड नॉइज़ को, मेरे बच्चे अभी अपना बबल बात ले रहे तो इस वजह से थोड़ी सी मस्ती चल रही है. एंड आई थिंक मुझे इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का, तो इसलिए मैंने ये टाइम पे बनाया, उन्हें नहलाने के लिए बिठा दिया है. तो ऐसा है कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं. इसके पीछे कुछ वेरियस रीजंस, ऐसा कुछ प्रूव्ड मतलब ऐसा साइंस एजन कुछ नहीं है ज़्यादा, बट है कुछ रीजंस वाई दे डू दैट. तो अगर आपका बच्चा ऐसा लग रहा है मतलब वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपको समझ नहीं आ रही है एंड आपको लग रहा है वो कुछ पिकअप नहीं कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज बच्चे दो टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं. वन दैट वी से इज़ गिब्रिश लैंग्वेज, जो हमें समझ नहीं आती है, एंड डॉक्टर कॉल इट एज जार्गन. सो वट एवर वर्ड दे से वी डोंट अंडरस्टैंड, बट द प्रोनाउंसिएशन एंड द साउंड ऑफ दैट वर्ड अगर आपने ध्यान से सुने वो क्या बोल रहे हैं तो वो आपको काफ़ी सिमिलर लगेगा. 90-95% जो वर्ड आप जो भी लैंग्वेज में अपने बच्चे के साथ बात करते हैं उस लैंग्वेज में वो वर्ड जिस तरीके से साउंड करता है वो आपको वैसे ही सुनाई देगा. तो इट मीन्स दैट ही इज़ पिकिंग अप द वर्ड, ही इज़ पिकिंग अप द लैंग्वेज, बट He's picking up the language. Only thing is कि उसके brain में वो चीज़ processed है इस तरीके से कि इसका sound ऐसे ही होता है and it is pronounced like that. तो वो उसके हिसाब से उसके brain में सही है, उसके कान में जैसी आवाज़ जा रही है उसे सही लग रही है, तो वो सोचता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ जैसे बड़े लोग बोलते हैं, जो धीरे धीरे क्लियर भी होती है, जो धीरे धीरे और अच्छे से बोलते भी हैं. बट स्टार्टिंग में उन्हें यही फीलिंग आती है जब बच्चे अराउंड 1 ईयर 13 मंथ्स 14 मंथ्स के होते हैं, तब उनका वो ऐसे होते हैं. कुछ बच्चे होते हैं कि वो डा मा पा मम्मी, आपको तो ये पता ही होगा, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंगल साउंड वर्ड्स टू इंडिकेट टू कम्युनिकेट जो उन्हें चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए. एंड दिस लैंग्वेज इज़ मेनली अंडरस्टैंड बाय द मदर एंड द फादर मोस्टली, वो भी लाइक आप थोड़ा सा रह रहे के समझ के, बट दैट इज़ देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो ये हो गया एक सेकेंड प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट दे डू. लाइक इफ दे से मम्मी मम मम्मी मी, तो इट मीन्स मम्मी मुझे गोदी ले लो या मम्मी वहाँ चलो या मम्मी मुझे ये चाहिए. मे नॉट बी देयर कंप्लीटिंग द सेंटेंस बट दे आर सेइंग समथिंग. सो दिस इज़ नॉर्मल. सम कुछ बच्चे होते हैं वो 9-10 मंथ से थोड़ा बहुत पिकअप कर लेते हैं, जो हमारे लेट टॉकर्स हैं वो शायद 12-13-14 मंथ्स में जो किए उन्होंने वो 9-10 मंथ्स में कर लिया, तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. ऐसे हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कुछ बच्चे होते हैं कि वो समझते सबसे ज़्यादा है मोर देन स्पीकिंग, तो होता है ऐसा कि वो सोचते हैं कि समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, देन दे थिंक कि जब मुझे अच्छे से बोलना आ जाएगा देन आई विल स्पीक अबाउट इट. और एक बात ध्यान में रखिए कि बच्चे
बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में भी अपना फोकस और इंटरेस्ट बनाए रखते हैं, मोस्टली इन द फिज़िकल एक्टिविटीज़। सो लैंग्वेज लर्निंग की जो स्किल है वो थोड़ी सेकेंडरी स्पेस ले लेती है उनके लर्निंग स्किल्स में, तो जो फिज़िकल थिंग्स है वो सबसे ज़्यादा पहले सीखने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से भी कुछ बच्चे लेट थोड़ा बोलते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अब मैं कुछ आपको रीज़न्स बताने वाली हूँ कि कुछ टॉकर लाइक बच्चे लेट क्यों बोलते हैं। हमने तो सुना ही होगा, लाइक हमारे बड़े भी बोलते हैं कि अगर आप जितना बच्चों से बात करेंगे वो उतनी जल्दी बोलना सीखेंगे। ये बात भी है और इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहला पॉइंट है हेरिडिटी। यस, कुछ चीज़ें जो होती है डेवलपमेंट में वो ऑफ़ कोर्स जेनेटिक्स से भी आती है, तो हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर या आपके फैमिली में लाइक आपके पेरेंट्स भी अपने टाइम पे जब वो छोटे थे शायद उन्होंने लेट बोलना सीखा या जल्दी बोला, वॉट एवर। तो ये चीज़ भी रोल प्ले करती है आपके बच्चे में कि वो क्यों लेट बोल रहे हैं। उनमें हो सकता है कि समझ तो जा रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी टंग एंड दी माउथ मसल का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, बट दैट इज़ अगेन नॉर्मल, मतलब इतनी भी टेंशन वाली बात नहीं है फ़िलहाल। तो उस वजह से भी बच्चे स्लो बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये भी डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में है। हो सकता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे मदर फादर बातें कम करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बात कम करते हैं, मैं उन कैटेगरी में से हूँ, तो इस वजह से भी बच्चे लेट पिकअप करते हैं। कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे बहुत बात करने वाले मिल जाते हैं या मदर फादर ही बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो इस वजह से बच्चे जल्दी बोलते हैं। दूसरा मतलब एक और है कि हो सकता है वो 2-3 लैंग्वेजेस सुन रहा है उसी एनवायरनमेंट में रह के, तो इस वजह से भी वो कन्फ्यूज्ड है कि मैंने कौन सा लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। हो सकता है उसके दिमाग में वो वर्ड्स रजिस्टर हो रहे हैं सारे लैंग्वेजेस के, बट उसे पता नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, तो इसलिए भी वो टाइम लेता है ये अंडरस्टैंड करने में कि मैंने कौन से लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अब बोलते ऐसा भी है कि अगर आप एक लैंग्वेज में बच्चे से ज़्यादा बात करोगे तो बच्चा जल्दी पिकअप करेगा, दैट इज़ देयर कि बिकॉज ब्रेन में वो एक ही लैंग्वेज प्रोसेस हो रही है, बट अगर आप 2-3 लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं इट डजेंट मीन कि दैट विल मतलब स्लो डाउन एवरीथिंग, बट येस फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम बच्चा विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज टू स्पीक, दो उसके दिमाग में वो 2-3 लैंग्वेजेस में जो भी वर्ड्स वो सुन रहा है वो रजिस्टर हो रहा है, बट स्टिल ही विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कौन सी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, इसलिए स्लो बोल सकता है, बट ऐसा नहीं है वो स्लो है, उसके दिमाग में रजिस्टर हो रहे हैं। एंड इन अ लॉन्ग रन यू विल सी दैट एट यंग एज आपका बच्चा 3-5 लैंग्वेजेस भी बोल पा रहा है अच्छी तरीके से। जैसे मैंने खुद ही 2-3 केसेस सुने जिसमें 3-4 साल के बच्चे 3-5 लैंग्वेजेस बोलते हैं अच्छे से समझ के, सो दैट इज़ ऑल्सो द केस एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द एकेडमिक जब उनका ईयर चालू होता है, बिकॉज ब्रेन इज़ ट्राइंग टू प्रोसेस 3 लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंड 3 लैंग्वेजेस, रजिस्टर 3 लैंग्वेजेस और 4 लैंग्वेजेस वर्ड्स, तो ब्रेन इज़ डूइंग सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दैट एंड दैट हेल्प्स ब्रेन टू वर्क मोर, तो ऑब्वियसली दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन द लॉन्ग रन। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई दे आर लेट और दे टॉक अर्ली। पॉइंट है कि बच्चा किस तरह के चाइल्ड केयर अरेंजमेंट में है। से अगर बच्चा डे केयर में है, मोस्टली आजकल डे केयर में भी बच्चे 6-7 मंथ से जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स वर्किंग है, तो डिपेंड करता है वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में कहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई बच्चा बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो दैट ऑल्सो एनकरेजेस द अदर किड बात करने के लिए, एंड जिसके साथ रहता है नैनी जो भी है वहाँ पे जो भी टेक केयर कर रही है वो किस तरह की पर्सन है, तो ये सारे। नेक्स्ट है कि कुछ बच्चे समझते जल्दी है मोर देन बोलना, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इफ़ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड आप जो बोल रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। कुछ बच्चे लाइक एंड ऑफ द सेकेंड बर्थडे वो टाइम पे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, तो
ये कुछ टाइम डिले एक्सेप्टेबल है, बस होता ये है कि बच्चे प्रेजेंट कब करें वो इम्पोर्टेंट है, बट इट डजेंट मीन कि वो कुछ मतलब स्लो है. हो सकता है उनके दिमाग में वो सारी बातें रजिस्टर हो रही है एंड समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सब बच्चे अलग होते हैं, सबकी लर्निंग स्किल्स कैपेबिलिटी सब कुछ अलग होती है एंड दे लर्न एट देयर ओन पेस. इतने अर्ली स्टेज में हम बता नहीं सकते बच्चा ब्राइट है या नहीं, बिकॉज जस्ट बिकॉज ही इज़ टॉकिंग अर्ली ही इज़ ब्राइट ऐसा नहीं है. जस्ट बिकॉज ही इज़ टॉकिंग स्टार्टेड टॉकिंग लेट विल बी मतलब उसके आगे फ्यूचर में वो कम ब्राइट होगा या कम इंटेलिजेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. देर आर सर्टेन टाइम्स फॉर एवरीथिंग. इफ दे आर अचीविंग अदर माइल स्टोन्स एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कुछ डिले थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, बिकॉज दे माइट बी दैट चाइल्ड इज़ फोकसिंग मोर ऑन दी अदर फिजिकल थिंग्स और वट एवर ही इज़ इंटरेस्टेड इन. तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए या गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, एंक्शियस नहीं होना चाहिए कि बच्चा लेट क्यों बात कर रहा है. ही इज़ टेकिंग हिट्स ओन टाइम टू अंडरस्टैंड टू प्रेजेंट. बच्चा पहला वर्ड जब बोलता है, हर बच्चे का अलग अलग टाइम होता है, कोई जल्दी बोलता है कोई बहुत लेट बोलता है. हो सकता है आपका बच्चा बोलना पहले सीखे और वॉकिंग करना, तो ऐसे भी होता है कि आपका बच्चा बोलना पहले सीखे और वॉकिंग बाद में करे, और कुछ इसमें वॉकिंग रनिंग सब कुछ कर ले और बोलना बाद में. ऐसे भी बोलते हैं जो लेट बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, एंड जो बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट करता है एट सम टाइम आफ्टर सम टाइम थोड़े से कम बोलते हैं. तो ये सब डिफर करता है. ओनली थिंग टू मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब आपका बच्चा 1 ईयर कंप्लीट करता है या से 13, 14, 15 मंथ्स कुछ होता है एंड स्टिल ही इज़ नॉट टॉकिंग दैट मच कंपेयर टू दी अदर वन, डोंट वरी, डोंट बी एंक्शियस एंड डोंट थिंक सो मच. इट अगर वन थिंग इज़ देयर कि मदर को थोड़ा सा गट फीलिंग अंदर से आती है कि लाइक सब ठीक है या नहीं, एंड इफ़ यू फील कि आपको अंदर से लग रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, शायद कुछ है, या फिर आप उसे 13, 14 मंथ्स ले लो तब बोल रहे हो कुछ अच्छे से, तभी भी वो कुछ नहीं समझ रहा है, इन दैट केस उसकी हियरिंग में शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो अगर आपको ऐसी कुछ फीलिंग आती है या आप कुछ कुछ ऐसा दिखता है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो. बट अदर देन दैट लेट टॉकर्स के लिए बिल्कुल भी आप वरी ना करें. मतलब बस छोड़ दे आप उनके इसमें कि मतलब वो जब बोलना चाहे, बस इंकरेज करना है अपन हमें, हमारा जो काम है वो हमने अगर ठीक से किया, हमें इंकरेज करना है, हमें उन्हें मतलब अच्छी अच्छी वोकैबुलरी अवेलेबल करके देनी है, उनके पास वो वर्ड समझ रहे हैं, उनके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है, ऐसे ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो दैट इज़ आ जॉब. इसके बाद हमें कुछ और फील ख़राब फील करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड मेक यू लिटिल रिलैक्स्ड about this topic. And if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Milti hu aapse next video mein. Till then, take care. Bye.